जय श्री राम मेरे भाइयों को। तो कैसे आप सब लोग, स्वागत है एक और नई वीडियो में। दोस्तों आज की वीडियो स्पेशल टॉपिक पे रहेगी, क्योंकि वो टॉपिक ये है कि जो हमारे नए दुकानदार हैं, जो कुछ दुकान खोल रहे हैं, कुछ खोलना चाहते हैं, कुछ खोल चुके हैं, उनको क्या है सामान बेचने में बहुत ही दिक्कत आती है। वो कैसे आती है मैं आपको बता देता हूँ। मैं मार्केट में जाता हूँ तो लगभग कई बार मुझे नए नए दुकानदार मिल जाते हैं, जो जिन्होंने स्टेशनरी शॉप खोली है, जो खोलना चाह रहे हैं। जैसे सामान लेते हैं तो पता लग जाता है उनसे, उन्हें देख कर कि यार ये सामान जिस तरह से खरीद रहे हैं ना, उनको नॉलेज ही नहीं है, तो वो बेचेंगे कैसे, क्योंकि उनको सामान का ये नहीं पता लेना क्या है और बेचना क्या है, और उसे बेचेंगे भी कैसे, क्योंकि बहुत ही चीज़ें होते हैं जो हमें पता कि यार ये बिकती नहीं है, और वो बहुत और कई चीज़ें आती है जिसके नाम ही कुछ अलग हैं। तो बहुत से ऐसे टॉपिक है किस तरह से हमें अपनी दुकानदारी को करना है और दुकानदारी को आगे बढ़ाना है, और किस तरीके से हम अपने सामान को सेल करना है। क्योंकि एक चीज़ और दिक्कत आती है कि अब हमें तो पता है, हम पुराने दुकानदार हो चुके हैं, कई बार हमें भी दिक्कत आ जाती है, नाम ऐसा बता देते हैं बच्चे या उनके माँ बाप कि भैया ये सामान दे दो, जबकि वो सामान हमारे पास अवेलेबल है, हमारे पास उपलब्ध है वो सामान, लेकिन उसका नाम ही अलग है। मैंने आपको बता रखा है कई बार कि एक ही चीज़ के 10 नाम है स्टेशनरी की लाइन में, जो आर्ट एंड क्राफ्ट के आइटम में होती है। कॉपी में तो कोई ऐसा 10 नाम नहीं होते, लेकिन स्टेशनरी की लाइन में, आर्ट एंड क्राफ्ट में बतेरे नाम चेंज होकर जाते हैं, और पेपर को बहुत से नाम कहते हैं, कई चीज़ें होगी बहुत नाम कहते हैं उनको, अलग अलग नाम से उनके आपको पता चल जाएगा। तो मैं भी क्या करता हूँ, कई बार मुझे भी गूगल पर सर्च मारना पड़ता है, क्योंकि मैं कहूँगा ना यार ये नहीं है मेरे पास, या ये क्या होता है, तो कहेंगे ये लल्लू दुकानदार है, इसको पता नहीं है, तो मुझे भी हाथों फटाफट कैसे बांधे सर्च मारना पड़ता है। तो इसी पे स्पेशल वीडियो बना रहा हूँ कि हमने अपने सामान को कैसे सेल करना है, और इससे हमारी दुकानदारी भी बढ़ेगी। जो आज मैं वीडियो बना रहा हूँ ना, हर बार मैं ये टॉपिक बताता हूँ, हर बार कुछ ना कुछ अलग बताता हूँ कि हमारी दुकानदारी भी कैसे बढ़ेगी। फिलहाल मैं आज आपको बताऊँगा दुकानदारी कैसे बढ़ानी है, और हमारे जो स्टेशनरी के आइटम है उनको सेल कैसे करना है, उनके नाम क्या है, तो उस तरह बताऊंगा आपको। फुल डिटेल में हर बार आपको वीडियो में बताता हूँ। तो दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो लाल बटन दबा के सब्सक्राइब कर ले, और बेल आइकन को ऑन कर ले, जिससे जब भी मेरे नई वीडियो आए उसका आपका नोटिफिकेशन आ जाए, मतलब आपको उसका पता चल जाए। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो दोस्तों सबसे पहली जानकारी आज क्ले की रहेगी। अब आप कहोगे क्ले तो हमें पता है, लेकिन उसमें स्पेशल क्या है, मैं आपको बता दूँ। देखो क्ले ये भी है, क्ले ये भी है, क्ले ये भी है, क्ले ये भी है, और अपनी क्ले ये भी है। इसके अलावा भी और दुनिया भर की क्ले आती हैं जिसकी कोई गिनती नहीं, और मेरी दुकान में बहुत सारी लगी होंगी, पीछे भी बहुत सारी लगी होंगी, जिसका मुझे भी अंदाजा नहीं है कितनी सारी, 8-10 तरह की क्ले और रखी होंगी मेरे पास, पत्ते में, बिना पत्ते, छोटी बड़ी बहुत सारी रखी होंगी। अब क्या आजकल स्कूलों में कॉम्पिटिशन चल रहे हैं, क्यों? आप देखो मैंने बता रखा कॉपियाँ साल में एक बार ही बिकती हैं, वो भी जब नए सीजन स्टार्ट होते हैं, नया स्कूल स्टार्ट होता है, बस तभी बिकती है, उसके बाद तो इक्का दुक्का बिकती रहेंगी। कोई ट्यूशन के लिए रफ ले गया, कोई एक कॉपी ले गया, कोई दो कॉपी, लेकिन जो स्टार्टिंग में हो तभी बिकती है, उसके बाद क्या है पूरा साल इन चीज़ों का ही मारा मारी रहेगी, आर्ट एंड क्राफ्ट का ही चलता रहेगा, कुछ ना कुछ नई से नई चीज़ें चलती रहेंगी। अब क्ले में मैं क्यों बता रहा हूँ, लगभग आप ये मान के चलो बच्चा बहुत कम आएगा आर्ट एंड क्राफ्ट का लेने सामान, वो अपने मम्मी पापा के साथ आएगा, या उसके पापा आएंगे, जैसे कोई मार्केट से आ रहे हैं तो भैया सामान लेते आना, वो कहते हैं पापा सामान लेते आना, तो एक बार बच्चा छोटा होता तो उन पे क्या है उनके मैसेज आता है माँ बाप के उसमें कि भैया ये चीज लेते आना, लेकिन अब उसमें स्पेशल गया माँ बाप आपको ही कहेंगे क्ले दे दो, वो और कुछ नहीं कहेंगे, वो क्ले ही मांगेंगे। अब आपने अगर दे दी ये क्ले और काम है इसका, अब उसमें बच्चे के और वो स्कूल ले गया और उसमें कोई दिक्कत आई और बच्चे के नंबर कटेंगे, टीचर कहेगी कि आप गलत क्ले ले गए, तो उसमें क्या होगा, पेरेंट्स आपको आके कहेंगे, वो कस्टमर आपको आके कहेगा कि भैया आपने गलत चीज क्यों दी, उसमें क्या हमारी दुकानदारी खराब होती है, हमारा कस्टमर खराब होता है, वो एक कस्टमर ना 10 को बताता है यार उसे तो अकल नहीं है सामान देने की, मेरे बच्चे के नंबर कमाए, देखो हर कोई चाहता है आज की डेट में बच्चे के नंबर अच्छे है। तो बात खत्म कर दूं, आपको पहले बता दूं ये क्ले होती है वन टाइम यूज, ये देखिए मोल्डेड क्ले कहते हैं, ये 2500 रुपये का पीस यूज होता है, वो सेल होता है 2500 रुपये का ही पैकेट सेल होता है, इसमें कम बढ़ते की कोई नहीं होता कि कम कर दो, 2500 रुपये है तो 2500 का ही सेल होगा। ये मोल्डेड क्ले है, ये वन टाइम यूज होता है, बाकी जितने भी क्ले हैं ये जितने हो गए, ये हो गए या आपका ये हो गए, ये सब बार बार आप यूज़ कर सकते हो, तरोड़ मरोड़ घुमा घुमो के जितनी बार मर्जी यूज़ करो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये जो क्ले है ये वन टाइम यूज़ होगी, और इसको यूज़ करने का क्या है, इसे यूज़ जब करोगे वन टाइम यूज़ क्यों है, ये एकदम हार्ड हो जाएगी, वन टाइम यूज़ होने के बाद हार्ड हो जाएगी कुछ देर बाद, इसमें आप पेंट वगैरह कर सकते हो और स्टोन वगैरह लगा के कुछ भी सजा सकते हो। अब कॉम्पिटिशन होता है कई बार कि कोई चीज़ बनानी है, कुछ स्टैचू बनाना है, दिवाली पे जैसे दिया बनाने के लिए यूज़ करते हैं, तो कोई भी स्टैचू बनवाते हैं, फिर कलर करवाते हैं, फिर स्टोन वगैरह इस पर सजवाते हैं। तो ये थी क्ले की जानकारी।
जो सबसे मेन चीज है जो 12 महीने चलेगी। कल मेरी दुकान पर क्ले की ही लाइन लगी रही, भैया क्ले दे दो, कोई ये लेके जा रहा था तो कोई मोल्डेड लेके जा रहा था, लेकिन आपको बहुत जानकारी लेके देनी है, मतलब बताना है, हर स्कूल की अलग चीज चलती है। तो इस टाइम ज्यादातर क्ले कोई मोल्डेड क्ले चलेगी, इसका पूरा डिब्बा आपने लाके रखना है, एक डिब्बे लाओ दो डिब्बे लाओ। इसके साथ कलर सेल होंगे वो डोम से 10 रुपए वाले, वो दूसरे जो 10 वाले वाटर कलर आते हैं वो सेल होंगे, या डोम से 20 और 30 वाले सेल होंगे। बाकी स्टोन वगैरह जो आपकी दुकान पे होंगे वही सेल होंगे। अगली जानकारी है मार्किंग टेप। अब मार्किंग टेप आता है, कोई कहेगा वासी टेप दे दो, कोई कहेगा स्पार्कल टेप दे दो, कोई कहेगा ग्लिटर टेप दे दो, तो आपको उसकी जानकारी होनी चाहिए ये चीज़ क्या है, वो आपको डिटेल में मैं बताता हूँ। बच्चा आपके पास आ गया, वो कहेगा मार्किंग टेप दे दो। अब आपको कहे मार्किंग टेप क्या चीज़ आ गई है, वही है ना। अब उसको मार्किंग टेप क्या है मैं आपको बता देता हूँ, उसमें साइज का भी था, वो पहले आपको दिखा रखे, लेकिन नाम के हिसाब से देखिए, एक हो गई ये चौड़े वाली, ये वाली एक हो गई, इससे थोड़ी पतली ये वाली, ये देखिए सेलो टेप की तरह। इसको कोई पेपर टेप बोलता है, कोई मार्किंग टेप बोलता है, कोई आर्ट टेप बोलता है, और भी कई नाम उसके हो सकते हैं। तो मार्किंग टेप क्यों बोलते हैं इसको, ये होती है जब आप आर्ट करते हो उसके किनारों में लगाने के लिए, कि आपकी आर्ट का कुछ मतलब कलर वगैरह ना फैले। जो कोई वाटर कलर लेगा ना आपके फैब्रिक, और उसे अगर बड़ा कोई कॉम्पिटिशन करना है या स्कूल में बना के लेके जाना है, तो वो मार्किंग टेप लेगा आपसे। इसमें दो ही साइज चलते हैं, एक ये देखिए इतना चौड़ा 30 रुपये सेल का, और एक सेलो टेप की तरह चौड़ा, ये 20 रुपये सेल का, इसको मार्किंग टेप बोलते हैं। फिर अगले आइटम आते हैं वासी टेप। आप कहोगे वासी टेप क्या है, नई दुकानदार को शायद नहीं पता होता, वासी टेप होते हैं इस तरीके की, इस तरह की पेपर टेप होती है। ये आते हैं मिक्स, बिल्कुल मिक्स, ये 50 रुपये का बॉक्स में सेल करता हूँ, इसमें चारों अलग अलग कलर है, और एक आते हैं इस तरह के। अगर आप खुल लूज सेल करना चाहो लूज भी कर सकते हो, लेकिन ये 4 है 10 रुपये के ऊपर सेल नहीं होता, तो ये 50 का बॉक्स ही मेरा सेल होता है। मैं पहले लाया था तो मेरे पास काफ़ी टाइम से है, अब ख़त्म हो गया, एक या दो पीस बचे हैं, एक ये पड़ा एक ये, तो 50 रुपये का सेल हो जाता है। फिर आता है इसमें इस तरह के, देखिए ये पड़े दो टेप, ये 10 रुपये का सेल करता हूँ मैं, और दिखा देता हूँ, उसमें ये पड़े हैं, ये वासी टेप है, ये वाइट में हो गई, ये पिंक में हो गई, ऐसे और आते हैं बॉक्स, ये 10 रुपये सेल में आप सिंगल भी बेच सकते हो और बॉक्स भी बेच सकते हो। तो इस तरह के आप लाओ, और इस तरह के बड़े बॉक्स भी आते हैं, इस तरह के कमी लाना। इसमें क्या होता है, देखो ये पतली है, ये चौड़ी है, ये उससे चौड़ी है, ये उससे पतली है, इसमें क्या होगा कि कस्टमर मतलब रेट आपको सबके बराबर लगे हैं इसमें। अगर कोई 6 की है तो 6 की लगी है, पतली भी मोटी भी सारी की सारी। अब पतली आप 10 की बेच दे सकते, ये 5 की बिकेगी, ये 15 की बेच दे सकते, 10 की बिकेगी। तो ऐसी मेरे हिसाब से ना लाएं, आप इस तरह की पेपर टेप लाएं, ऐसे वाली ये वासी टेप होती है, इसमें काफ़ी डिजाइन आपको मिल जाएंगे, तो ये वाली वासी टेप लानी है। और ग्लिटर टेप में आपने ये लानी है इस तरह की, देखिए ग्लिटर टेप ये होती है, ये 10 रुपये बिक्री में है, ये 5 बिक्री में है, ये देखिए छोटी है, बहुत कम है इसमें, ये थोड़ी मोटी है, इसमें काफ़ी सारी है। और इस तरह की भी ग्लिटर टेप होती है, जैसे ये लग रही है ना स्पार्कल, ये सामने ग्रीन और सिल्वर, ये स्पार्कल टेप, ग्लिटर इसको भी बोलते हैं, चमकीली टेप भी बोलते हैं। इस तरह की टेप आपको ला के रखनी है, ये भी बहुत यूज़ होगी अब। और स्टोन तो आपकी दुकान पर होंगे ही। अब स्टोन में एक बात आपको खास बता दूँ, एक तो इसमें हर तरह के स्टोन लगभग जोन तो आपको मिले, कोई गोल्डन लेगा, कोई मिक्स कलर लेगा, कोई इस तरह के लेगा, कोई इस तरह के लेगा छोटे में, तो आपको इसमें सारे तरह के कलर ला के रखने हैं। और इसमें एक चीज़ का और ध्यान रखना है, मैं आपको इसमें बता दूं, मेरे पे वो चीज़ ख़त्म है, लेकिन एक आधा शायद इसमें निकल आएगा, एक मिनट मैं आपको अभी दिखा के बताता हूँ। उसमें एक स्माइली वाले चलते हैं, ये भी लाने हैं आपको, स्टार की बड़ी डिमांड होती है, ये छोटा है बड़े वाला स्टार, इसमें बड़ी डिमांड होती है, इस तरह के बड़ी डिमांड होती है ये, और इसमें सिल्वर गोल्डन और वाइट, इसकी बड़ी डिमांड होती है। अब एक जो स्पेशल बात स्टोन में बता रहा हूँ मैं आपको, वो आपको दिखा के बताता हूँ। अभी तो मैंने आपको ये स्टोन दिखाया, इसके नीचे भी ये भरे पड़े हैं, और भी कहने का स्टोन होंगे, और इसमें ये वाले स्टोन भी रखने हैं इस तरह के, ये धागे में डालने वाले इस तरह के ना, देखिए ये वाइट, और वाइट में भी सारे साइज रखने हैं, इसे ये हो गए मल्टी वाले, इसमें सारे साइज आते हैं, पतले मोटे उससे मोटे, ये भी आपने रखने हैं। और स्टोन में एक चीज़ और बता दूँ आपको, इस तरह के स्टोन मतलब इस तरह का मतलब, इस पर 10 रुपये सेल में भी आता है, 5 सेल में भी आता है, यह है 30 रुपये सेल वाला, मेरे पे बड़ा, इसमें 20 सेल वाला था वो ख़त्म हो गया। काफ़ी तरह के स्टोन रखे हैं, ये जो मोटा स्टोन है ये भी चलेगा, मतलब आपने स्पेशल मोटा स्टोन भी ला के रखना है, जैसे राखी आएगी उसमें राखी को बनाने के लिए मोटा स्टोन बहुत चलता है, और बीच बीच में अब जो कुछ ना कुछ वो काम देते रहेंगे, तो मोटे स्टोन के एक अलग ही हिसाब है, मोटा मतलब कहने का आपको मोटा स्टोन लाना है, इतना मोटा होता है, इससे थोड़ा सा हल्का होता है, मतलब इनसे मोटा, ये तो अलग है ना, इनसे मोटा स्टोन आपको ला के रखना है, क्योंकि ये बहुत चलेगा आगे। देखिए मेरे पे कितने मोटे मोटे स्टोन हैं पड़े हैं, सब बिक जाते हैं, इनमें कमाई भी अच्छी होती है। अगर हम वही 5-10 वाले रखेंगे वो तो एक नॉर्मली है, लेकिन ऐसे ऐसी चीज़ें ला के रखेंगे ना, तो इसमें भी काफ़ी इनकम हमारी होती है, और कस्टमर की एक जो डिमांड होती है वो पूरी होती है। अब अगला आता है पेपर। अब पेपर आपको पता है A3 शीट भी है, A4 शीट भी है। A4 शीट में आपको मैंने बता दिया कि इसमें नए नए कलर आपने लाने हैं A4 में, ठीक है। अभी होगी A3 और A4 शीट। अब अगली क्या, आजकल मैंने आपको पीछे बताया
वो ग्लेस पेपर। अब ग्लेस पेपर क्या है, एक तो ये कॉपियों में चढ़ने वाला है, इसे कहता है ग्लेस पेपर, ये वाला वन साइड से ऐसा हो गया कॉपियों में चढ़ता है। और ये आर्ट एंड क्राफ्ट में भी यूज हो रहा है ग्लेस पेपर, ये आपको हर कलर में लाना है। इसमें ब्लैक भी बिकेगा आपका, रेड भी चलेगा, इसमें ग्रीन भी चलेगा, इसमें ऑरेंज भी चलेगा, इसमें ब्लू भी चलेगा, इसमें पर्पल भी चलेगा। तो ग्लेस पेपर ये लाके रखने हैं। ये कॉपियों के अलावा आर्ट एंड क्राफ्ट में भी बहुत यूज होते हैं ये वाले सारे कलर, ये वाले चार्ट पेपर तो आपके चलेंगे चलेंगे, ये वाले भी। और चार्ट पेपर में भी आपको ये मोटे वाले ब्राउन हो गए, ऑरेंज हो गए, और इसमें ग्रीन हो गया, इसमें पड़े हैं काफी सारे मेरे पे, ग्रीन हो गया और रेड हो गया, ये भी यूज का है, ये भी काफी सारे, क्योंकि अब आर्ट एंड क्राफ्ट का ही चलेगा, जो चलेगा सब आर्ट एंड क्राफ्ट का चलेगा, पढ़ाई का बड़ा कम चलता है। और एक हो गया काइट पेपर जो मैंने आपको दिखाए थे, ये बहुत पतले होता है ये वाले, ये काइट पेपर, ये भी ₹5 सेल होता है, ये भी ₹5 सेल होता है। तो ये पेपर भी आपको लाके रखने हैं, काइट पेपर हो, इसमें ग्रीन रेड और ब्राउन मेरे पास पड़े हैं, बाकी अरे ये पर्पल पड़ा है, बाकी जो भी मिले आप कलर ले आओ, कोई दिक्कत नहीं, ये काइट पेपर भी बहुत चलेगा आपका। फिर आजकल स्टिकी नोट दोबारा चलने शुरू हो गए बहुत ज्यादा, कल मेरे पे स्टिकी नोट बहुत बिके हैं। इसमें क्या है, ये हो गया पन्नी वाले A4 साइज, ये कम चलता है। अब इसमें जो चलता जाता है वो बता दूं, एक तो ये A4 साइज, वो A4 कह रहा हूँ, थोड़ा चौड़े वाला, A4 गलती से बोल दिया मैंने, मिस्टेक हो गई, ये चौड़े वाला स्टिकी नोट देखिए, ₹50 सेल होता है ये वाला। फिर आता है ये वाला, ये इसमें ज्यादा सामान है, काफी मोटा है, ये थोड़ा पतला है, ये ₹30 सेल होता है इस तरह का, ठीक है। फिर और भी स्टिकी नोट आपको दिखा दूं जो सेल होता है, इसी में एक और तरीका आता है, उसमें ये तीन है ना, उसमें 4 से 5 कलर होंगे। मेरे पे स्टिकी नोट तो बहुत बड़े हैं, यहाँ पे पड़ा होगा, वो आपको डिटेल में दिखा के ही मेरे को सही लगता है ये वाला। अब इसमें देखिए, इसमें 3 कलर है और इसमें 4 कलर है, ये भी 30 का सेल होगा क्योंकि ये पतला है, ये भी 30 का सेल होगा और ये ₹50 का सेल होगा। और पन्नी वाला कम ही सेल होता है, जो लगभग सेल होते हैं ना वो ये 3 होंगे आपके, ये 3 स्टिकी नोट, ये ज़्यादा चलते हैं 3। तो स्टिकी नोट ये वाले आप ला के रखने हैं, ये भी मैं कह रहा कल बहुत ज़्यादा ही बिके हैं, स्कूल से एकदम ही पता लग जाता है, एक बच्चा आएगा ना फिर दूसरा भी लेने आएगा, तो एकदम ही चीज़ें बिकनी शुरू होती है। ऐसा नहीं कि रोज़ बिक रहे हैं, लेकिन जब बिकेंगी तो एकदम स्टार्टिंग से बिकनी शुरू होती है, दबा के बिकती है फिर ये चीज़ें। अच्छा, किसी ने कमेंट बॉक्स में पीछे पूछा था मेरे से, भैया करेक्शन टेप क्या होती है, मैं ये भी बता दूं क्योंकि नॉलेज होना बहुत जरूरी है स्टेशनरी की। ये देखिए, ये होता है वाइटनर, ये वाइटनर, ये एक तरह के वाइट इंक की तरह होता है, ये तो आप सबको पता ही होगा, लेकिन नए दुकानदार है, किसी को कई बार किसी चीज़ की नॉलेज नहीं होती। ये वाइटनर है, ये ₹10 बिक्री का है, यह है लग्जर का ₹25 बिक्री का है, फिर ये वाला पड़ा है ये मेरे पे ₹20 बिक्री का है, ठीक है, ₹10 बिक्री का आपको पता सबसे ज़्यादा ही बिकता है। अब करेक्शन टेप क्या है वो मैं बता देता हूँ आपको, करेक्शन टेप होती है ये रही, करेक्शन टेप ये इस तरह की, इसमें ये आगे से उतारोगे एक तरह की ये टेप होती है, ये वाइटनर का काम करती है। अब बच्चे क्या आजकल अपग्रेड हो रहे हैं, अपडेट चीज़ें मांगते हैं, नहीं नहीं मतलब इसी में आपको फैंसी चीज़ चाहिए बच्चे को, तो ये लेके जाएगा, ₹30 सेल की है ये, देखिए 30 मैंने लिखा हुआ है। इसमें एक चीज़ बता दूँ, जब भी आप ये मार्केट में लेने जाएं तो दुकानदार से पहले कन्फर्म कर लें कि भैया अगर ये ख़राब निकली तो इसकी रिप्लेसमेंट है या नहीं है, मैं ये चीज़ पूछ के ही लाता हूँ, और पहले भी शायद मैंने वीडियो में चीज़ बता रखी है, क्योंकि मैं सोचता हूँ कि नुकसान आपका ना हो तो आपको डिटेल में हर चीज़ बताऊँ, तो ये मैं देख के लाता हूँ, पूछ के लाता हूँ भैया ये चीज़ की रिप्लेसमेंट है या नहीं है। वो कहेगा भैया कोई रिप्लेस नहीं है, कोई वापसी है, तो मैं नहीं लाता, मैं वहाँ से लाता हूँ जो रिप्लेस करता है, क्योंकि इसकी रिप्लेसमेंट है, क्योंकि कई बार कस्टमर ले आते हैं, कहता भैया तो ख़राब निकली चल नहीं रही है। तो आपको ये चीज़ सोच समझ के लेनी है कि मार्केट से, कि भैया अगर गारंटी है इसकी ख़राब निकलेगी तो वापसी दूंगा, तो ये चीज़ सोच के लेनी है। ₹30 की सेल होती है ये, और ये मीडियम साइज का पीस है, इससे बड़ा भी आता है इसमें, लेकिन आपने इस मीडियम साइज वाला ही चलता है ₹30 सेल वाला ये वाली। अब एक करेक्शन टेप मार्केट में और नहीं आई है, वो भी मैं दिखा दूं, ये वाली, ये ₹80 सेल किया। इसमें क्या है, इसमें ऊपर से मुंह उतारेंगे करेक्शन, इसमें ये चीज़ है, ये देखिए ये ₹80 या ₹70 सेल आराम से हो जाती है, क्योंकि मैं नई नई चीज़ें बहुत लाता हूँ। यह करेक्शन टेप वही वाली है जो मैंने आपको दिखाई है, यह की एक ये गुड्डे के अंदर है, एक तरह का शोपीस है। दोस्तों गर्मी बहुत बढ़ गई है और पंखा बंद करके वीडियो बनाने में बड़ी दिक्कत होती है मेरे को, तो दोस्तों मैंने आपको ये मेन सामान दिखाया, मैं वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं करूँगा, पिछली बार शायद वीडियो थोड़ी लंबी हो गई थी, लेकिन मैं सोचता हूँ कि डिटेल में चीज़ मिल जाए तो ज़्यादा बेटर है। ये था सामान, अब मैं आपको एक मेन पॉइंट और बता दूँ, ये बोलने में शायद थोड़ी लंबी हो सकती है लेकिन आपके लिए बहुत ही ज़रूरी बात है ये जो मैं बोलने जा रहा हूँ। कस्टमर आपके पास आएगा, वो कहेगा भैया हमें अर्थ बनाने का सामान दे दो, अर्थ क्या होता है, ग्रह, ग्रह। अब वो सामान आपको नहीं पता तो आप कैसे दोगे, कहते मैं बताता हूँ, एक मिनट में आपको दिखाता हूँ। अब अर्थ बनाने का सामान होता है थर्माकोल बोल, इसमें 3 साइज की बोल है जो मैंने आपको दिखा रखी है, एक ये है, एक ये बड़े वाली है और एक सबसे छोटी है, ठीक है। अब मेरे को अगर नहीं पता होता तो कस्टमर वापिस है, कहकर लल्लू दुकानदार है, आपको चीज़ों की नॉलेज होनी बहुत ज़रूरी है। मैंने कस्टमर को कहा भैया 9 बोले जाएंगी
और वो अलग अलग साइज की जाएंगी। कह रहे भैया दे दो, हमें तो कुछ पता नहीं है, बस स्कूल वालों ने लिख दिया, अब हमें सामान कैसे भेजना हमें पता नहीं। तो मैं इस चीज से आपको एक बात बताना चाह रहा हूँ कि आपको नॉलेज रखनी है। अब अर्थ का सामान जो होता है उसमें ये थर्माकोल किसी गत्ते की कार्डबोर्ड के ऊपर एक बड़ा बॉल लगाएंगे, दो बड़ी बॉल, फिर दो उससे छोटी लगाएंगे, फिर बाकी छोटी छोटी लगाएंगे, टोटल नौ बॉल करनी होती है। तो ये आपको बताना पड़ेगा कस्टमर को, क्योंकि कई बार क्या होता है बच्चा छोटा होता है, मैडम जो है लिख के देता है भैया ये चीज़ बना के लानी है, यूट्यूब पे भी देखते हैं, लेकिन कई बार यूट्यूब पे भी कई चीज़ें मतलब अलग अलग दिखाते हैं। तो अब ये तो थी चलो अर्थ की बात, अब कई बार आता है कस्टमर कि भैया यार ये फला चीज़ बनानी है, ये कैसे बनानी है। मैं एक बात बताऊँ आपको, आता मेरे को भी नहीं है, मैं कोई जीनियस नहीं हूँ या मैं कोई आर्ट एंड क्राफ्ट का सामान बनाता नहीं हूँ, लेकिन माइंड एक बहुत बड़ी चीज़ है, आप अपने माइंड से सोच के एक मिनट में बता सकते हो वो कैसे। आपको उसने कहा कि भैया हमें झोपड़ी बनानी है और झोपड़ी में ये चीज़ें दिखानी है, अब घास दिखानी है, तो अब उसने झोपड़ी बताई आपको कि झोपड़ी बनानी है, तो भैया क्या बना के दे आपको, कार्डबोर्ड देना है, गत्ता, उसे ये पूछ लो घर में कोई खाली पेटी पड़ी है तो उसका गत्ते का बना लो और उसके ऊपर आप पेपर लगा लो, कोई भी पेपर ले लो, चाहे A4 पेपर ले लो, A3 ले लो या चार्ट पेपर कोई भी आप लगा लो, जो भी आपको सही लगे, कलर जो भी ठीक लगे आपको, ठीक है। नीचे आप घास लगा दो, उसमें घास आपको पहले दिखा रखी है, पांच पांच वाली घास आती है, ग्रीन घास, पेड़ लगा दो, आदमी दिखा रखे हैं मेन। तो अगर वो कहेगा आपसे भैया मैंने झोपड़ी बनानी है, क्या क्या सामान चलेगा, आपको बताना है। ये एक एग्जांपल है, कई बार मेरे पास आता है भैया कुछ कंचे बताएं, वो टन टन वाला अबेकस, हाँ अबेकस बनाना कैसे करना है, मैं उसका भी आपको एक मिनट में बताता हूँ। तो उन्होंने कहा भैया अबेकस बनाना है, अब आप कहोगे अबेकस क्या चीज़ है, फटाफट नेट पर सर्च मारो, देखना अबेकस क्या, मैं ऐसे नहीं समझा सकता। एक चकोर सा होता है, फ्रेम था, उसमें गोलियाँ लगी होती है ऐसे ऐसे करने के लिए, बच्चों खेलने के लिए, अकाउंटिंग करने के लिए, तो अबेकस होता है। तो उसके लिए गोलियाँ मैं पहले ही लेके आया था, देखिए नीचे तो मैंने कंचे आपको दिखाए थे जो बचपन में हम खेलते थे, ये देखिए कंचे, और ये अबेकस की गोलियाँ। अब ये गोलियाँ लगेंगी कैसे, ये है स्टिक, ऐसा कुछ नहीं है कि मुझे किसी ने कहा था कि भाई ये चीज़ लानी है, लेकिन माइंड से बताया मैंने, कहा भैया अबेकस के लिए गोलियाँ चलेंगी। वो क्या मांग रहे थे, अब वो मांग रहे थे कस्टमर की भैया हमें स्टोन दे दो मोटे मोटे, मैंने स्टोन दे दिए, लेकिन वो इतने मोटे स्टोन नहीं थे, स्टोन दे दिए। मैंने कहा, मैंने से पूछा भैया क्या करना है, मैं ना हर कस्टमर से पूछता हूँ भैया क्या चीज़ बनानी है, तो बताते भैया ये चीज़ बनानी। तो मैंने कहा भैया अबेकस के लिए तो ये चीज़ चलेगी, स्टोन आप कितने घुसाओगे, डंडी क्या है, तो वो कह रहे टूथपिक लिया, लंबी टूथपिक की तरह होती है लंबी लंबी, वो लिया है, कह रहे भैया ये, मैंने कहा भैया ऐसे नहीं होगा, ये ठीक है इसमें डलेगी, और कह रहे हाँ भैया तो बिल्कुल बढ़िया बनेगा जो आप दिखा रहे हो, ये मेरे पे लगभग बड़ी रहती हैं। तो उस दिन उस आदमी ने, और ऐसा ना मैंने आपको बता रखा है, अब एक स्कूल का बच्चा मेरी गली में, तो ऐसा तो नहीं एक ही बच्चा होगा, और भी बच्चे होंगे, उस क्लास के भी होंगे, तो उसमें क्या होता है, तो अब माँ बाप कहते हैं उसने बताया आदमी ने दूसरे यार उस दुकान से लियो, वहाँ पर मिला सामान, वहाँ पर ना बहुत वैरायटी है, और वो बता भी देते हैं। तो आपको ना थोड़ी नॉलेज अपने माइंड से खुद भी निकालनी है, खुद क्या होता है जैसे बच्चे आते हैं कि ये सामान दे दो, उसे पढ़ते थे आपने ले लिया, आप उससे पूछो कौन सी क्लास का सामान है, क्या चीज़ बनानी है, आप उसे माइंड में बिठा लो, क्योंकि और माँ बाप भी आएंगे लेने, तो आपको उनको बताना पड़ेगा, खुद बताओगे तो बेटर रहेगा कि हाँ भैया ये लो, ये अच्छा है, ये चीज़ है। अब मैं क्या करता हूँ कस्टमर को खुद बताता हूँ, एक तो कस्टमर बताता है, उसके अलावा मैं उनका कई बार होता है मैं पैसे बचवा देता हूँ, मैं कहा भैया ये ले लो ना, ये आप 100 रुपये इससे खर्च कर रहे हो, मैं आपको 50 रुपये में ये चीज़ देता हूँ, ये चीज़ बढ़िया रहेगी, वो कहता है हाँ भैया आपने पैसे बचवा दिए, थोड़ा सा हर टाइम कमाने के लिए, थोड़ा कस्टमर के लिए अच्छा सा करोगे ना तो भी कहेगा यार ये कस्टमर, ये दुकानदार बहुत बढ़िया है। तो खुद भी अपना कुछ इमेज ना बनानी पड़ती है आपको, तो मेरा कुछ ऐसा ही यहाँ पर, मैं सबको ना इस तरह से काम करता हूँ कि उन्हें लगता है कि ये दुकानदार है, कि ऐसा ही पैसे तो हर चीज़ नहीं है, वो नॉलेज भी देता है, तो हकीकत ऐसा ही है मेरे साथ। मैं उनको बताता हूँ कि भैया ये चीज़ लगा लो, ये सस्ती पड़ेगी, अच्छी पड़ेगी, खुद आपको बताना है, खुद आपको उन्हें सिखाना है, तो इस तरह काम करना है। तो कस्टमर आया था, बीच में दिक्कत होती है, बताते बताते मैं भूल जाता हूँ। तो कस्टमर को आपने खुद अपनी दुकान का रिव्यू भी देना, कहना मतलब बताना है अपने बारे में, अपनी दुकान के बारे में, भैया ये चीज़ है, ये लो सामान बेचो। और कई बार कस्टमर कहता है भैया पेंसिल दे दो डार्क, वो आप नए दुकानदार आपको डार्क, भैया ये पेंसिल है आप सर, ये मुझे पता नहीं कौन सी डार्क है, ऐसा कुछ नहीं होता। आप खुद कहो ना कस्टमर को, भैया ये चीज़ लो देखो कितनी अच्छी है, फ्यूजन की पेंसिल है डॉम्स की, इसके साथ एक ये आइटम फ्री भी होती है, और वो 50 की पेंसिल है, ये 60 की है, मतलब एक एग्जांपल बता रहा हूँ, रेट अलग है, तो आप ये लो ज़्यादा बेटर रहेगी, और मजबूत पेंसिल भी डॉम्स की, या आप ये ले सकते हो 50 रुपये में अप्सरा, ये तो नाम की है, अप्सरा की बहुत बड़ा चलती है ये। तो ऐसे ना ऐसे आइटम कुछ भी दिखा रहे आप, लेकिन थोक बजा के दो, कॉन्फिडेंस से दो, जो सामान दे रहे हो कॉन्फिडेंस से बेचो कस्टमर को। तो इसी तरह दुकानदारी करो ना, आपकी दुकान का नाम भी होगा, और आपको नॉलेज है कि रख कर खुद नॉलेज से बताओगे ना कि भैया ये चीज़ लो, ये सस्ती भी पड़ेगी, अच्छी भी पड़ेगी, मैं इसी तरीके से काम करता हूँ। ऐसा नहीं है मान लो 100 की आइटम बैटरी है तो 20 कम हो गए, 80 रुपये की बैठ जाएगी। तो आपको इस तरह काम करोगे तो दुकानदार की नज़र में, कस्टमर की नज़र में थोड़ी आपकी बड़ी रिस्पेक्ट रहेगी, इज्जत रहेगी कि ये दुकानदार जो है हमारे पैसे ज़्यादा लगवाता नहीं है और हमारा कम पैसों में काम करवा देता है।
तो और सामान भी लेके जाते हैं मेरे से, तो ऐसे में कस्टमर भी आपकी दुकान का बनेगा और आपकी जो है इमेज अच्छी बनेगी, आपकी मार्केट भी अच्छी बनेगी, आपकी दुकानदारी बहुत बढ़ेगी इस चीज़ से। तो दोस्तों सॉरी, तो मैं बोलते जल्दबाजी में बोलना भूल जाता हूँ, क्यों जल्दबाजी कस्टमर आते रहते हैं ना सामने से। तो दोस्तों आज की वीडियो कैसी लगे जरूर बताना कमेंट बॉक्स में। मैंने ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं बनाई, लेकिन मैंने बहुत नॉलेज की बात बताई, जिस तरह मैं दुकानदारी करता हूँ ना, मैंने इस तरीके से आपको अपना बताया, आपने ये तरह की एक पर्सनल नॉलेज है जो आपको बताई है। बस आपको यह है कि बच्चा जब भी आए दुकान पर पूछना, भैया बेटा कौन सी क्लास का सामान है तुम्हारा, क्या चीज़ बना रहे हो, तो आपको पता लग जाए ये चीज़ बना दिया होती है। तो 5-10 चीज़ें उन्हीं से बनती है, लेकिन थोड़ा सा माइंड में रहेगा तो ज़्यादा अच्छा है। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताना, और मेरे वीडियो वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें यार, थोड़ा सा तो आगे बढ़ाओ, थोड़ा आगे बढ़े, गर्मी में वीडियो बनाते हैं हम भी। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, और अगली वीडियो आपको क्या चाहिए कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो जय श्री राम, मेरे सब भाइयों।